हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम 2016 के कुछ क्वेश्चंस। ये रियल क्वेश्चंस हैं और इनकी मदद से आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी के वेरियस एग्ज़ाम्स में और कैसे इन क्वेश्चंस को करना है लॉजिक के साथ, ट्रिक के साथ, ताकि आप कम से कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चंस को कर सकें। तो ये स्टेनो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, 2016 के ये क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने नरेशन के लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने क्लोज टेस्ट के इसमें लिए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। देखिए, एक ये नरेशन का क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। इसमें एक होता है रिपोर्टिंग पार्ट और एक होता है रिपोर्टेड पार्ट, ठीक है। तो इसमें रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड पार्ट को उल्टा कर दिया गया है। देखिए, ये है रिपोर्टिंग पार्ट और ये है रिपोर्टेड पार्ट। तो नॉर्मली क्वेश्चंस में ये जो पार्ट है इसको पहले लिखा जाता है, ही सेड टू मी आई एम ए स्टूडेंट, इस तरीके से। लेकिन इसमें जो रिपोर्टेड पार्ट है उसको पहले लिख दिया गया है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने के लिए। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। वेट आउटसाइड द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड मी, यानी ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। जो कमांड के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई व्यक्ति किसी को कमांड देता है या रिक्वेस्ट करता है, उनको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसमें आप ऑर्डर मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आंसर क्या होगा कि द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी। आस्क का मतलब पूछना भी होता है, आस्क का मतलब कहना भी होता है। जब किसी को ऑर्डर दिया जाता है पोलाइट वे में, तो उसके उस सेंस में भी हम आस्क लगा सकते हैं। और इसमें टू जरूर आएगा, वर्ब से पहले यहाँ पर वर्ब जो जुड़ेगी ये टू से जुड़ेगी, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसका आंसर यही होगा, फर्स्ट वाला, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी टू वेट आउटसाइड। आस्क्ड मी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है टोल्ड मी, यहाँ पर लगा हुआ है टोल्ड मी, तो इसलिए हम इसमें लगाएंगे द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी टू वेट आउटसाइड। टू इसमें जरूर आएगा। अब देखिए ये वाले सेंटेंसेस देखिए, द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड टू मी, यहाँ पर टू आना चाहिए, इसमें टू नहीं है। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी, यहाँ पर भी टू नहीं है। और इसमें देखिए डी वाले सेंटेंस में, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी, हाँ इसमें देखिए द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड मी, हाँ इसमें भी टू नहीं है। तो टू जरूर आएगा इसमें एज ए कनेक्टर। अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में अलग अलग कनेक्टर आता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द एग्जामिनर सेड कैंडिडेट्स एट द एग्जाम हॉल वर नर्वस। ये भी काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन है। देखिए, एग्जामिनर ने कहा, लेकिन किससे कहा वो यहाँ पर नहीं है, यानी सैड का सैड ही रहेगा। सैड को हम टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। सैड को हम टोल्ड में इसलिए चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर सेड टू मी, एग्जामिनर सेड टू अस, इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सैड का तो सैड ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर टेंस चेंज होगा। टेंस अब किस तरीके से चेंज होगा, देखिए प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करते हैं, लेकिन पहले से ही पास्ट टेंस हो और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसका मतलब इस पार्ट को आपको पास्ट टेंस में करना होगा, ठीक है। अब ये पहले से ही पास्ट है तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करते हैं और पास्ट को फिर अलग अलग तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे इसका एक अलग से वीडियो क्लास है, वो आप देख लेना नरेशन का। जैसे पास्ट सिंपल को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो ये पास्ट सिंपल है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, यानी वर्क के जगह, वर्क के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन। ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। तो वर्क के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन और इसमें कनेक्टर में क्या आएगा, कनेक्टर में चूंकि ये सिंपल सेंटेंस है, ये क्वेश्चन तो इसमें है नहीं और इंपेरेटिव भी नहीं है ये, तो कनेक्टर के लिए यहाँ पर हम दैट लगाएंगे। इसमें ये दैट भी लगा हुआ है इसमें, तो इसमें फर्स्ट जो है ये सही आंसर है। द एग्जामिनर सेड दैट द कैंडिडेट्स एट द एग्जाम हॉल हैड बीन नर्वस, ठीक है। अब देखिए इसमें हैव बीन है तो हैव बीन तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें है वर तो वर का वर नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें है आपका वॉस तो नहीं आएगा क्योंकि कैंडिडेट्स हम बोल रहे हैं, इसलिए वॉस तो बिल्कुल ही गलत इसमें होगा। तो आंसर इसमें होगा आपका फर्स्ट। तो कॉन्सेप्ट्स यदि आपके क्लियर हैं पैसिव वॉइस में और नरेशन में, तो इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं और स्टूडेंट्स करते हैं पैसिव वॉइस में और नरेशन में। देखिए यहां से देखते हैं, रामा सेड टू द पासर बाय,
पासर बाय कौन होता है? पासर बाय मतलब जो राहगीर होता है, रास्ते से गुजरने वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं पासर बाय। रामा सेट टू द पासर बाय, वेयर इज द टिकट काउंटर? तो ये WH का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो WH वाले क्वेश्चन होते हैं और एक सिंपल यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। जैसे यदि मैं बोलूँ आपसे कि आर यू अ स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे यस। तो ये यस नो क्वेश्चन हैं, इसमें हम इफ का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का। लेकिन ये WH क्वेश्चन है, इसमें हम कनेक्टर के स्थान पर इस WH वर्ड का ही प्रयोग करते हैं और इस पात को हम अफर्मेटिव पैटर्न के अनुसार लिखते हैं, ठीक है। इसका वॉज हो जाएगा, चूंकि ये वाला जो पात है रिपोर्टिंग पात, ये पास्ट में है, तो ये पूरा पात आपको पास्ट में लिखना पड़ेगा। वेयर इज द टिकट काउंटर, इसको आपको पास्ट में लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको अफर्मेटिव सेंस में आप लिखेंगे। मैं बताता हूँ अभी कैसे कैसे लिखना है। देखिए इफ तो इसमें आएगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। देखिए ये है क्वेश्चन पैटर्न, यदि सेकंड सेंटेंस आप देखें तो ये क्वेश्चन पैटर्न है। रामा आस्क्ड द पासर बाय वेयर वॉज द टिकट काउंटर, ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। वेयर वॉज नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो एक क्वेश्चन पैटर्न हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन होता तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन मार्क लगा होता, ठीक है। तो वेयर वॉज द टिकट काउंटर ना होते हुए ये होगा वेयर द टिकट काउंटर वॉज, यानी वेयर के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब बाद में आएगी। इसको हम क्वेश्चन पैटर्न में नहीं लिखेंगे, इसको हम अफर्मेटिव पैटर्न में लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस तरह के सेंटेंसेस में कन्फ्यूज हो जाते हैं। सेकेंड यहाँ पर आंसर होगा आपका, रामा आस्क्ड द पासर बॉय बाय वेयर द टिकट काउंटर वॉज। हाँ सॉरी, ये सेकेंड इसका आंसर नहीं होगा, ये थर्ड इसमें आंसर होगा, क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन पैटर्न है ना। ये क्वेश्चन वेयर वॉज द टिकट काउंटर, ये क्वेश्चन पैटर्न है, थर्ड में क्वेश्चन पैटर्न नहीं है, वेयर द टिकट काउंटर वॉज, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में, वो होगा थर्ड आंसर होगा, सेकंड नहीं होगा। अब देखिए रामा आस्क्ड द पासर बॉय वेयर द टिकट काउंटर इज, इस तो होगा नहीं क्योंकि प्रिंसिपल वर्ब जब पास्ट में है तो इज नहीं आएगा, वॉज आएगा, लेकिन उसको अफर्मेटिव पैटर्न में आपको लिखना पड़ेगा। रामा आस्क्ड द पासर बाय वेयर द टिकट काउंटर वॉज, ये थर्ड इसमें आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया। बहुत ही कन्फ्यूजिंग ये इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं और एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं देता हूँ, देखिए ये एक क्वेश्चन है, रजनी सेड टू द शॉपकीपर हाउ मच डू यू वॉन्ट मी टू पे फॉर दिस ड्रेस। देखिए यदि आप लॉजिक लगाएं तो प्रिंसिपल वर्ब पास्ट में है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, इसको आपको पास्ट में रखना पड़ेगा। अब जब आप इसको पास्ट में रखेंगे तो इसको यहाँ पर तो ये क्वेश्चन है, लेकिन जब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में ये चेंज होगा तो अफर्मेटिव में ये चेंज हो जाएगा, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। यहाँ पर तो ये क्वेश्चन है इसलिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, लेकिन जब आप नरेशन में इसको चेंज करेंगे तो वहाँ पर फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में या अफर्मेटिव पैटर्न में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ लॉजिक में आपको बता रहा हूँ, ये वॉन्ट का वॉन्टेड हो जाएगा, ठीक है, ये दिस का दैट हो जाएगा। तो यदि इतना ही आप लॉजिक लगा लें तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा वॉन्टेड का दिया है, वॉन्टेड दिया है फोर में, ठीक है, वॉन्टेड फोर में दिया है। हाउ मच का तो हाउ मच ही रहेगा, देखिए इसमें हाउ मच है, इसमें हाउ मच नहीं है, और इसमें इफ नहीं आएगा। इफ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये यस नो क्वेश्चन नहीं है, तो इफ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। वॉन्ट्स, इसमें वॉन्ट्स है, वॉन्टेड होना चाहिए, तो इसमें तो एलिमिनेट करके ही आप आंसर निकाल सकते हैं। रजनी आस्क्ड द शॉपकीपर हाउ मच ही वॉन्टेड हर टू पे फॉर दैट, इसमें देखिए दिस का दैट हो गया है, तो इसका आंसर होगा आप फोर्थ, इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया। रजनी के लिए हर का प्रयोग होगा इसमें और शॉपकीपर के लिए ही का प्रयोग होगा, ठीक है। तो देखिए ही और हर दोनों प्रोनाउंस इसमें यूज हो रहे हैं और इसमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो क्वेश्चंस को गलत कर देंगे आप, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है क्योंकि SSC में सफिशिएंट टाइम मिलता है। शॉपकीपर के लिए इसमें ही है, रजनी के लिए इसमें हर है, वॉन्ट का वॉन्टेड कर दिया, दिस का दैट कर दिया, ठीक है। तो इसमें फोर्थ जो है ऑप्शन, ये सही आंसर इसमें आपका होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, आई सेड टू हिम वेयर हैव यू लॉस्ट द न्यू पेन, ये भी सेम पैटर्न पर है, तो इसमें हो जाएगा आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैज, नहीं हैज और हैव, इसका हो जाएगा हैड, क्योंकि प्रिंसिपल वर्ब जो है, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये पास्ट में है।
तो हैज या हैव, हैज या हैव तो प्रेजेंट में यूज होते हैं, हैज होता है सिंगुलर के लिए और हैव होता है प्लूरल के लिए, लेकिन पास्ट में हम कॉमन हैड लगाते हैं, तो ये हैड हो जाएगा। और इस पैटर्न को हम क्वेश्चन पैटर्न में ना लिखते हुए इसको हम लिखेंगे अफर्मेटिव पैटर्न में। अफर्मेटिव पैटर्न का मतलब ये है कि हम लिखेंगे वेयर हैड ही, वेयर ही हैड, वेयर हैड ही तो क्वेश्चन पैटर्न हो जाएगा, वेयर ही हैड हम लिखेंगे। तो वेयर ही हैड इसमें कहाँ दिया है, देखिए ही हैज तो होगा नहीं, हैड ही क्वेश्चन पैटर्न हो गया, डिड इसमें आएगा नहीं, ये आ जाएगा इसमें, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड, वेयर ही हैड ये होगा, हैड ही नहीं होगा, ध्यान रखिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, हैड ही क्वेश्चन पैटर्न होगा, ही हैड अफर्मेटिव पैटर्न है। और इसको जब डायरेक्ट को जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसमें क्वेश्चन पैटर्न नहीं आएगा, अफर्मेटिव पैटर्न आएगा, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द न्यू पेन, ठीक है, तो आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द न्यू पेन। यहाँ पर कनेक्टिंग जो वर्ड होगा ये वेयर होगा, यहाँ पर दैट वगैरह कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर यदि आप दैट लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तो फिर वो दो कनेक्टर हो जाएंगे, वेयर भी कनेक्टर हो जाएगा और ये भी एक कनेक्टर हो जाएगा, तो ये सही है, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द न्यू पेन सेकेंड। अब देखिए इसमें एक ये क्लोज टेस्ट है और इसमें किसकी बात चल रही है, क्लोज टेस्ट को थोड़ा देखना पड़ेगा, टू एवरी फॉरन इंडिया हैज समथिंग टू दोज फैसिनेट विद अवर पास्ट कैन फीस देयर आई ऑन, देखिए इसमें किसकी बात हो रही है, इसमें यदि आप थोड़ा सा पढ़ें इस क्लोज टेस्ट को तो आपको एक आइडिया लगेगा कि इसमें इंडिया के अंदर जो फॉरेनर्स घूमने के लिए आते हैं, कुछ को हमारे कल्चर में इंटरेस्ट होता है, कुछ को हमारी हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, नई नई जगह वो देखते हैं, उसके बारे में इसमें बात की गई है, तो ये आपको कैसे आएगा जब आप बार बार पढ़ेंगे, जब आप रीडिंग करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट से आपको पता पड़ जाएगा किस पर्टिकुलर पैसेज में किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। टू टू एवरी फॉरन पर्सन तो होगा नहीं, मैन होगा नहीं, ह्यूमन होगा नहीं, टूरिस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि जो बाहर से घूमने आते हैं वो होते हैं टूरिस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट में टूरिस्ट, टू एवरी फॉरन टूरिस्ट इंडिया हैज समथिंग टू ऑफर, मतलब जितने भी फॉरनर बाहर से इंडिया में आते हैं, इंडिया के पास कुछ ना कुछ उनको देने के लिए होता है, क्योंकि इंडिया में वैरायटी काफ़ी है, ठीक है, तो सभी तरह के लोग, सभी तरह के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा टूरिस्ट, यहाँ पर हो जाएगा ऑफर, इंडिया हैज समथिंग टू ऑफर, दोज फैसिनेटेड विद आर पास्ट कैन फीस्ट देयर आई ऑन द, मतलब फीस्ट देयर आई, फीस्ट का मतलब ऐसे दावत देना होता है, लेकिन फीस्ट देयर आई ऑन का मतलब होता है किसी चीज के मजे लेना, किसी चीज से अपने आप को एंटरटेन करना, फीस्ट देयर आई ऑन का मतलब ये है, तो दोज फैसिनेटेड विद आर पास्ट कैन फीस्ट देयर आई ऑन द, थर्ड में क्या आएगा, ऑन द यहां पर आ जाएगा ऑन द ऑफ फॉर्मरली प्रिंसली स्टेट्स, देखिए फॉर्मरली प्रिंसली स्टेट्स हैं, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे हमारे देश में, लेकिन क्या वो अभी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, क्या अभी भी वहां पर राजा महाराजा रहते हैं, अब तो वो पुराने हो चुके हैं, उनके रिमेन्स बाकी बचे हैं, तो यहां पर जो सही वर्ड होगा वो होगा रिमेन्स, क्योंकि पुराने जमाने के जो राजा महाराजा थे उनके हम रिमेन्स देख सकते हैं, उनको हम नहीं देख सकते, वो तो अब खत्म हो गए हैं, रुइंस काफी क्लोज है, लेकिन रुइंस का मतलब होता है एकदम खंडर में जो चीज चेंज हो चुकी है, लेकिन रिमेन्स का मतलब है जो बाकी बचा है, थोड़ा सा क्लोज है, रुइंस एकदम खंडर हालत में हो चुका है, रिमेन्स मतलब जो बाकी बचा है, तो रिमेन्स यहां पर एकदम प्रॉपर वर्ड होगा थर्ड में, आईज ऑन द रिमेन्स ऑफ फॉर्मरली प्रिंसली स्टेट द केयरफुली रिस्टोर्ड पैलेसेस, मतलब रिस्टोर का मतलब होता है कि उनका ध्यान रखा गया है, उनको रिस्टोर करके रखा गया, उनको बर्बाद नहीं होने दिया गया है, उनकी देखभाल की गई है, उन पैलेसेस की, उन महलों की, द केयरफुली रिस्टोर्ड पैलेसेस फोर्ट्स एंड एंटी कलेक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें देख सकते हैं फॉरनर हमारे देश में आके, ये इसका मतलब है, दोस टेकन इन बाय अवर, देखिए जो लोग हिस्ट्री से फैसिनेटेड हैं, आकर्षित हैं, वो लोग ये पैलेसेस फोर्ट्स और एंटी कलेक्शन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी कैटेगरी फिर स्टार्ट की है कि दोस टेकन इन, मतलब जो जो सरप्राइज हो जाते हैं उन सब चीज़ों से, दोस टेकन इन बाय अवर, तो फोर्थ में हम देखते हैं, फोर्थ में बाय अवर कल्चर होगा, रिलीजन्स स्पिरिचुअलिटी ट्रेडिशंस नहीं होगा, कल्चर एक्चुअली यहाँ पर एक सिंगुलर वर्ड आएगा, हमारी कल्चर, रिलीजन्स नहीं,
ठीक है, जो पूरा रिलीजन स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशन को मिला के एक कल्चर बनता है, एक हर हर कंट्री का एक अलग कल्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कलेक्टिव वर्ड आपको चाहिए, कलेक्टिव वर्ड यहाँ पर जो है वो है कल्चर। हर कंट्री का एक अलग सेपरेट कल्चर होता है। दोज टेकन इन बाय अवर कल्चर विल फाइंड अ नंबर ऑफ देखिए, मैं जो जो मंदिरों में रहते हैं, मंदिरों के मेन जो पुजारी होते हैं उनको हम बोलते हैं गॉडमैन, तो यहाँ पर गॉडमैन वर्ड ही सही होगा, ठीक है। विल फाइंड ए नंबर ऑफ गॉडमैन वेटिंग टू हैव फ्रेश रिक्रूट्स प्रेफरेबली फ्रॉम द वेस्ट, प्रेफरेबली फ्रॉम द, यहाँ पर हम लगा सकते हैं एफ्लुएंट वेस्ट। वेस्ट जो है पश्चिम, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, लोगों के पास बहुत पैसा है, ये पैसे वाले देश हैं। तो हमारे देश के जो गॉडमैन होते हैं, जो मंदिरों के जो हेड होते हैं, वो वहाँ से कुछ ऐसे लोगों को रिक्रूट करते हैं जो कि वहाँ पर रेगुलरली उनको दान दक्षिणा देते रहते हैं, उनको अपॉइंट कर देते हैं वो, तो उसकी इसमें बात हो रही है। फ्रेश रिक्रूट का मतलब वही है। एफ्लुएंट वेस्ट मतलब जो पैसे वाले लोग हैं वेस्ट में, वेस्ट मतलब अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, और इंडिया जो है वो एक ईस्टर्न कंट्री है। यहाँ पर हो जाएगा एफ्लुएंट वेस्ट, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा गॉडमैन। Here one can buy that the best traditional craftsmanship can produce. तो चूंकि क्राफ्टमैन की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए इसमें सही जो लॉजिक के हिसाब से जो सही वर्ड होगा सेवेंथ में वो होगा आपका हैंडीक्राफ्ट। वन कैन बाय हैंडीक्राफ्ट दैट द बेस्ट ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप कैन प्रोड्यूस। यहाँ पर हमारे देश में फॉरनर आके हैंडीक्राफ्ट का सामान खरीद सकते हैं, एक ऐसा हैंडीक्राफ्ट जिसको बेस्ट क्राफ्टमैनशिप के द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है, कोई भी चीज़ जो बेस्ट हो सकती है, ठीक है। एट्थ में हम ले देंगे टू कैन टेक देयर पिक फॉर इंडिया हैज वॉर्म वाटर। देखिए ओपन स्पेसेस, वॉर्म वाटर, स्नोई माउंटेन, ये किस में आता है? ये सब आता है नेचर में। यानी इसका मतलब ये है कि एट्थ में जो बात हो रही है वो नेचर लवर्स की हो रही है, ठीक है। नेचर लवर्स टू कैन टेक देयर पिक फॉर इंडिया हैज वॉर्म वाटर। वॉर्म वाटर गर्म पानी की नदियाँ होती हैं, एक्चुअली सैंड्स बीचेस सही सीज नहीं आएगा, गर्म पानी की नदियाँ होती हैं। रिवर्स आएगा नाइन्थ में रिवर्स आएगा। वास्ट ओपन स्पेसेस, स्नोई माउंटेन पीक्स एंड लग्जीरियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फॉरेस्ट। तो ये एक नेचर के बारे में एक सेंटेंस है और ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है। ये एक टिपिकल SSC एग्जाम क्लोज टेस्ट है, ऐसे क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो क्लास में मैंने केवल 15 ही क्वेश्चंस दिए हैं, आगे के जो क्वेश्चंस हैं 2016 के, 17 के, 18 के, वो आगे की वीडियो क्लासेस में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, पूरा आपको आइडिया दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सभी तरह के क्वेश्चंस का एक डिटेल में आपको आइडिया दूंगा, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, क्लोज टेस्ट हो, पैसेज हो। और SSC का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है कि इसमें आप इवन 100% तक स्कोर कर सकते हैं यदि आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो, ठीक है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपसे मिलूँगा। थैंक यू।